हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, क्योंकि आज हम लोग रिलेटिविस्टिक मास के डेरिवेशन की बात करेंगे। रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला हमें पता है, कैसे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी में इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बट इसके डेरिवेशन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एंड विल सी कि इसकी डेरिवेशन एक्चुअल में कितनी सिंपल है एंड येट इट लीड्स टू दीज ग्रेट कंक्लूजंस एंड बेसिकली मॉडिफाइज ऑल ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तब यहाँ पे हमें इसका फॉर्मूला तो पता है कि मान लो अगर हमारे पास वी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो मास होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, और रादर वो इंक्रीज कर जाती है फ्रॉम एम नॉट, जो कि इसकी रेस्ट मास है, टू अ मास ऑफ एम नॉट बाई रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक मास। दिस इज द रेस्ट मास यू हैव ओवर हियर, ये हमारी बॉडी की रेस्ट मास हो गई। यहाँ पे आपके पास इस बॉडी की रिलेटिविस्टिक मास हो गई। तब यहाँ पे इसे आप डिराइव कैसे करोगे? सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि जो स्पेशल रिलेटिविटी है इसकी जो ओरिजिन है, दिस इज अगेन द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी की ओरिजिन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी अगेन व्हाट डज इट स्टेट कि जो हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स है, जो लॉज ऑफ फिजिक्स है, when you transform them to another coordinate system, to another frame of reference, so unki appearance again वैसे ही होनी चाहिए, वो laws of physics के form, same form में रहने चाहिए। अब यहाँ पे principle of relativity में अगर आप यहाँ पे basically जो Galilean transformation के under certain equations जैसे Maxwell equations को transform करते हो तो they lose that kind of form and उनका एक different form आ जाते हैं and you cannot rightly transform it under Galilean transformation। तो यहीं से प्रोडक्शन होता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, कि अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर मैक्सवेल्स इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए तब इनके वही सेम फॉर्म रहते हैं। तो स्पेशल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ जो हमारे मैक्सवेल इक्वेशंस हैं या फिर कोई भी आपके लॉज ऑफ फिजिक्स है वो अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सेज दैट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन उनके लॉज सेम रहने चाहिए। In Newtonian mechanics, it is under Galilean. Special relativity में principle of relativity के according laws of physics same रहने चाहिए in every inertial coordinate system या frame of reference under a Lorentz transformation. यहाँ पे अब हम लोग principle of relativity के according यहाँ पे हम लोग एक derivation करते हैं of the relativistic mass which is based on the collision of two particles. Let's see how interesting this thing is. ये मान लो आपके पास दो particles हैं, वो एक दूसरे के टुवर्ड्स अराइव करते हैं, यहाँ पे एक इलास्टिक कोलिजन होता है, या वन पार्टिकल कमिंग डाउन एंड आफ्टर कोलाइडिंग विद अनदर पार्टिकल ओवर हियर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट बेसिकली अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन एंड उसके बाद इट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर मैंने दोनों पार्टिकल्स को आइडेंटिकल माना, मान लो कोई दो पार्टिकल्स हैं कंप्लीटली आइडेंटिकल हैं एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड एक्सेप्ट दैट द वेलोसिटी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन एसेंस कि यहाँ पे एक की वेलोसिटी इधर है तो दूसरे की वेलोसिटी इधर होगी। तब यहाँ पे अगर मेरा एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, आई नो कि इफ दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर तब टोटल मोमेंटम वेक्टर शुड बी जीरो। यहाँ पे कोलाइड किए, ये पार्टिकल कोलिजन के बाद इधर चला गया, ये पार्टिकल इधर चला गया, दे शुड स्टिल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड विद इक्वल स्पीड्स, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम यहाँ पे दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों जीरो होने चाहिए, इनिशियल जीरो है फाइनल भी जीरो होगा क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की एक्शन है। वी नीड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द फोर्सेस क्योंकि कोलिजन का केस है तो मोमेंटम कंजर्वेशन इज ऑल दैट वी नीड, तो अबाउट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेट्स लेवल देम द एक्सिस एज एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अब देखो ये जा रहे हैं यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे जा रहा है, लेट्स मूव इन अ कार। यहाँ पे ये पर्सन तो स्टैंड है, इसके अकॉर्डिंग ये कोलिजन कुछ ऐसा हो रहा है। मान लो यहाँ पे एक कार है आपके पास, एक कार है आपके पास एंड हियर देयर इज अ सर्टेन पर्सन इन दैट इन दिस कार, लेट्स से इनफैक्ट देयर आर टू पर्सन्स इन दिस कार।
एंड अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि दिस कार इज मूविंग, ये मूव कर रही है, ऑलराइट ये मूव कर रही है, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेट्स से इट इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एग्जैक्टली अ स्पीड दैट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इसका मतलब क्या, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस बेसिकली ये जो डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लेट्स से वन है आपके पास, ये पार्टिकल टू है, तब आपको पता है कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। अगर मैंने इस मूविंग कार से इस पर्सन ने इसे देखा, तब आपको क्या पता है कि अब ये ऊपर कुछ इस स्टीप एंगल पे नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट अप ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इसके रिस्पेक्ट में लूज कर दिया, बिकॉज इट इज गोइंग विद एग्जैक्टली दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, नॉट ओवरऑल, इसकी जो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसके हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं। तब इस पर्टिकुलर केस में अब ये कॉलिजन कैसे देखेगा, इन एक्स डैश एंड वाई डैश एक्सिस, इस पर्सन के हिसाब से यहाँ पे ये कुछ ऐसा काइंड का एंगल होगा, क्योंकि ये भी अफेक्ट करेगा, इट विल गो एट इवन अ ग्रेटर स्पीड, हम जानते हैं क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये कुछ ऐसा आपको देखेगा यहाँ पे। उसके अलावा क्या हुआ, दिस पार्टिकल विल नाउ बी अपियरिंग, कि ये अब कुछ ऐसे नहीं बल्कि स्ट्रेट अप ऊपर जा रहे हैं, ये पार्टिकल स्ट्रेट अप ऊपर जा रहे हैं एंड फिर नीचे आ रहे हैं। In fact, it is taking such a kind of turn. So I am only making it take such a kind of turn to show कि indeed नीचे आ रहे, not drawn over the same line. ये ऊपर गया, सीधे नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैं फिर से इन axis को label करता हूँ, this time as x dash y dash. हम लोगों ने एक different coordinate system लिया। Now what we do is कि मान लो ये जिस speed से ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, call it w. W से ऊपर गया, W से नीचे आया। In our frame of reference, of course, in this person's frame of reference, not this one. ये आप speed मान लो v से गया, v से obviously यहाँ पे आ गया, speed इसके पास अभी भी वही होनी चाहिए, elastic collision का case है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा आप मान लो इसकी जो horizontal velocity है, इसकी जो horizontal component of velocity of the second particle you have, ये कितनी हो गई, इस velocity को आप u मान लो। अब यहाँ पे कोई एंगल हो सकता है, मान लो आपके पास यहाँ पे एक थीटा बाई टू एंगल हो सकता है, थीटा बाई टू विच मेक्स अप टोटल ऑफ एन एंगल थीटा। यहाँ पे आप मान लो कि हियर यू हैव एन एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा होगा, ये भी एंगल अल्फा होगा, बेसिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट ले रहे हैं, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। तब आपको पता है कि अगर आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे यू है, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्लियरली वी साइन अल्फा है। अब v cos alpha equals u v sin alpha equals the vertical velocity, मतलब एक और रिलेशन पता चल सकते हैं कि vertical velocity को आप u tan alpha लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे v के टर्म्स में नहीं लिखूंगा। What I want to write this thing is कि vertical velocity को मैं v के टर्म्स में नहीं बल्कि u horizontal के टर्म्स में लिखूंगा as u tan alpha. Why? Because अब हम लोग एक और चीज देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे momentum conservation का यूज करो कि ये पार्टिकल, हम लोग एस्यूम करें कि मास रिलेटिविस्टिकली डिपेंड करेगा, आई एम नॉट एग्जैक्टली एस्यूमिंग दिस थिंग, लेकिन मास जो है ये पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, आई एम एस्यूमिंग दिस कि इट इज इंडीड अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑलराइट। तब यहाँ पे बेसिकली अब मैंने क्या माना कि अगर मुझे यू टैन अल्फा समहाउ पता चल जाए, आई माइट बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर केस, हम लोग समहाउ कुछ मैथमेटिक्स करके, कुछ अलजेब्रा करके, वी माइट अराइव एट अ कंक्लूजन। तो अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, लेट्स लुक एट द सेम थिंग फ्रॉम अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सिस, एक्स डबल डैश एंड वाई डबल डैश। अब क्या करें, अब लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन यू हैव ओवर हियर, ये इसी कार में लेट्स से खड़ा है, मतलब अगर ये रेस्ट पे है इस कार के रेस्पेक्ट में, तो इसे भी ऐसा ही कॉलिजन दिखेगा इस पर्सन के जैसे। बट नाउ लेट्स से कि इस पर्सन के रेस्पेक्ट में, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में इस कार के अंदर ये लेफ्टवर्ड मूव करते हैं विद अ वेलोसिटी, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड मूव करते हैं विद अ वेलोसिटी, मतलब इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे अगर ये लेफ्टवर्ड मूव करता है विद अ वेलोसिटी u, तब आपको पता है कि ये जो आपके पास सेकंड पार्टिकल है ये तो अब हॉरिजॉन्टली जाएगा नहीं, अब ये सेकंड पार्टिकल सीधे नीचे जाते हैं एंड स्ट्राइक करके ऊपर चले जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो डायग्राम बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि अब ये सेकंड पार्टिकल सीधे नीचे आया एंड ऊपर चला गया, सिंस फर्स्ट पार्टिकल के पास इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में
कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, इसको अब एक राइटवर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी एंड नाउ इट इज द फर्स्ट पार्टिकल विच इज फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ ट्रैजेक्टरी. लेट्स लेबल दिस एज एक्स डबल डैश वाई डबल डैश. तो एक आपके पास ग्राउंड फ्रेम था एस, एक आपके पास एस प्राइम फ्रेम हो गया विच इज द बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि अ पर्सन रिलेटिव अ पर्सन इन रेस्ट रिलेटिव टू दिस पर्टिकुलर कार है, वेल कार खुद इसके रेस्पेक्ट में किसी भी लेट्स से इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल स्पीड से चल रही है. अब इसके रेस्पेक्ट में आपके पास एक और, यहाँ पे आपके पास एस प्राइम है, दिस इज एस प्राइम, ये आपका एस, ये आपका एस के रेस्पेक्ट में, एस डबल प्राइम के रेस्पेक्ट में विच इज दिस पर्सन जो कि एस प्राइम के रेस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड जा रहा है विद अ वेलोसिटी u. अब यहाँ पे देखो सिमेट्री के हिसाब से देखोगे ये वाले आपके W थे, ये भी W से चलेंगे, ये भी V है, ये भी V है, ये एंगल एंड ये एंगल ही अल्फा होगा एंड ये तो आपकी U होगी ही. U क्यों होगी? क्योंकि क्लियरली हम लोग यहाँ U से चल रहे हैं तो इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है. अब इसके पास हमारे लिए इस डायरेक्शन में एक U अमाउंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. सो बेसिकली वी हैव सीन थ्री फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस S, S डैश, S डबल डैश. हम लोग बेसिकली इस पे ही फोकस करेंगे एक्सेप्ट कि यहाँ पे एक चीज आपको पता चलती है कि यहाँ पे अगर आप देखो रिलेटिविस्टिकली, अब रिलेटिविस्टिकली ये फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज के लिए. अगर आपने रिलेटिविटी अच्छे से पढ़ा है यू मस्ट बी नोइंग दिस कि जब आप वेलोसिटीज को रिलेटिविटी में ट्रांसफॉर्म करते हो तो मान लो यू आर बेसिकली इन अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड यू. अगर आप हॉरिजॉन्टली एक स्पीड u से चलने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो एंड यू हैव सम पार्टिकल विच इज बेसिकली हैविंग अ वर्टिकल वेलोसिटी इन सम अपवर्ड डायरेक्शन, तब अगर इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी है इन सम अपवर्ड डायरेक्शन तो एक ग्राउंड से ऑब्जर्वर, अगर आपके पास है ग्राउंड से ऑब्जर्वर जो कि उसी पार्टिकल को देख रहा है तो उसके लिए जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी दैट विल बी द वर्टिकल वेलोसिटी दैट यू आर ऑब्जर्विंग व्हाइल मूविंग विद द वेलोसिटी यू टाइम्स में द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. मतलब आपके पास एस एंड एस प्राइम सिस्टम है, एस प्राइम में जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई डैश ऑब्जर्व की एंड एस प्राइम एस के रेस्पेक्ट में एक यू वेलोसिटी से चलता है तब एस में उसकी कितनी वर्टिकल वेलोसिटी दिखेगी vy dash root 1 minus u square by c square and keep in mind कि ये u है, ये horizontal velocity है किसकी of s prime with respect to x, s prime की with respect to s आपकी horizontal velocity है, ये उस particle की respective vertical velocity है in s prime and s respectively. तब वही concept यहाँ पे use करेंगे. अब इस चीज को वैसे ही मानो basically, तब इस case में आपको क्या पता चलते हैं u tan alpha ये इसके रेस्पेक्ट में चल रहा है विद व्हाट वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, वही हम लोगों ने माना है. तब u tan alpha आपको पता चल जाता है किसके इक्वल होना चाहिए w टाइम्स में रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर, क्लियरली इक्वेशन से दिख रहा है यू हैव इट रिटन u tan alpha इक्वल्स w रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर. अब यहाँ पे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं, क्लियरली जो टोटल मोमेंटम का चेंज होगा ये जीरो होगा. हम लोगों ने यू टैन अल्फा को इन दोनों बेसिकली फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के थ्रू रिलेट कर दिया. अब इन दोनों की जरूरत नहीं है, व्हाट वी नीड इज दिस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जब ये इधर आएगा स्ट्राइक करेगा यहाँ से चला जाएगा, ये ऊपर आएगा स्ट्राइक करेगा नीचे चला जाएगा, तो इसकी बेसिकली एट वेलोसिटी वी इसकी स्पीड क्या है वी, तो सेकेंड का जो मास होगा इसे एम वी ले रहे हैं, इसकी ये एक स्पीड डब्ल्यू से मूव करे इसकी मास एम डब्ल्यू ले रहे हैं कि कुछ फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज. यहाँ पे अगर इसका मोमेंटम चेंज देखा जाए तो क्लियरली अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज है. सेकंड पार्टिकल का क्या मोमेंटम चेंज होगा? ट्वाइस ऑफ द मास विच इज एम वी टाइम्स द वेलोसिटी. अब यहाँ पे इनफैक्ट वर्टिकल मोमेंटम चेंज ओनली कंसिडर किया जा रहा है, वेलोसिटी वर्टिकल लेंगे क्या है यू टैन अल्फा विच इज डब्ल्यू रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इसे नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि नीचे हो रहा है. दिस इज ट्वाइस ऑफ द मास ट्वाइस ऑफ एम एट डब्ल्यू टाइम्स में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है डब्ल्यू ओनली. तो यहाँ पे इनकी रिस्पेक्टिव स्पीड्स के हिसाब से मैं मास कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि वी नो इट इज ऑब्वियसली अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी जैसा आइंस्टाइन ने सस्पेक्ट किया था एंड देन ओनली ही वेंट थ्रू ऑल द डेरिवेशन एंड ऑब्टेन द राइट फॉर्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक मास.
टोटल मोमेंटम चेंज जीरो होना चाहिए, दोनों को ऐड करके जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको पता है कि पहली चीज W दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा। देन यू रियलाइज कि यहाँ पे एम डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, एम वी रूट वन माइनस यू स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर के इक्वल। तब यहाँ से एम वी किसके इक्वल आ गया, एम डब्ल्यू बाई रूट वी वी वन माइनस वी स्क्वेयर, सॉरी दैट इज यू स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि आपके जो वेलोसिटी यू है, ये वेलोसिटी यू आप कैसे लिखोगे, ये वेलोसिटी सॉरी वी इसका स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर, यू स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर टैन स्क्वेयर अल्फा, यू टैन अल्फा डब्ल्यू रूट वन माइनस यू स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर के इक्वल है। मतलब वी का स्क्वेयर आपने क्या लिखा, यू का स्क्वेयर प्लस में इस टर्म का स्क्वेयर दैट इज डब्ल्यू स्क्वेयर वन माइनस यू स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। This comes out to be u square plus w square minus w square u square by c square. यहाँ पे अब हम लोग लिमिट की एक चीज करेंगे कि the limit as w approaches zero, v क्या होगा? ये clearly u को अप्रोच करेगा। जब आपके जो w है ये जीरो हो जाएंगे, w जीरो होने का मतलब कि ये जो आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहे हो, ये पर्सन s प्राइम जो है, अगर ये बेसिकली कोई मोशन ऑब्जर्व नहीं करता इस फर्स्ट पार्टिकल में, कि फर्स्ट पार्टिकल का कोई मोशन नहीं हो रहा है इस प्राइम के रिस्पेक्ट में, तब उस केस में यहाँ पे क्या होगा, उस केस में ये जो वेलोसिटी है आपको यहीं से पता चल रही कि W आपने जीरो कर दिया, यहाँ पे W जीरो कर दिया, V स्क्वेयर U स्क्वेयर के इक्वल है, मतलब V U के इक्वल है, एट द लिमिट W अप्रोचेस जीरो V इक्वल्स U। तो आपको पता चला आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो वेलोसिटी टोटल स्पीड होगी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी U के ही इक्वल होगी। तब यहाँ पे आपने क्या किया, जब W जीरो होगा मतलब चल नहीं रहा है, तो एम डब्ल्यू क्या होगा, एम नॉट होगा, द रेस्ट मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, द रेस्ट मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने कहा था कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल्स आर इंडीड आइडेंटिकल, तभी तो इसके रेस्ट मासेस भी इक्वल होंगे, अगर इनके पास चार्जेस हैं तो वो भी इक्वल होंगे, और वॉट एवर बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो सारे बराबर होंगे, दैट इज वॉट इट मीन्स बाई आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अगर एम डब्ल्यू इज बेसिकली एम नॉट मतलब रेस्ट मास ऑफ द लेट्स से फर्स्ट पार्टिकल, तब ये रेस्ट मास ऑफ सेकंड पार्टिकल के भी इक्वल होगा, सो दिस इज जस्ट द रेस्ट मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल आल्सो। अब यहाँ पे एम वी है तो दिस इज द मास ऑफ सेकंड पार्टिकल एट वेलोसिटी वी, सिंस वेलोसिटी वी वेलोसिटी यू के इक्वल है इफ वेलोसिटी डब्ल्यू जीरो। मतलब आपको क्या पता चला कि एम वी को आप एम यू से रिप्लेस कर दो and you have mu equals m naught by root of 1 minus u square by c square. तो यहाँ पे अगर velocity आपके पास u है जिससे motion में है, then you have m naught by root 1 minus u square by c square. इसी चीज को v से भी replace कर सकते हो, so as to get कि mv equals m naught by root 1 minus v square by c square. And this is basically the relativistic mass of a moving particle at velocity u. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने बस एस्यूम क्या किया कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी होल्ड करती है अंडर द केस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड जस्ट द वेरी असम्पशन की प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी होल्ड करती है हमें रिलेटिविस्टिक मास के डेरिवेशन तक पहुंचाए। सो वी कैन सी कि हाउ पावरफुल अ टूल इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, एंड एज ऑफ नाउ कोई भी फिजिक्स में आपके पास थियोरी हो, कोई भी इक्वेशन हो, If under Lorentz transformation, if under principle of relativity, ये form नहीं change करती है, but it obeys the principle of relativity की सारी inertial frames of reference में same form hold करती है, then only can it be regarded a true theory as the special theory of relativity and this relativistic mass derivation actually is. That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.